बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप सब लोग कैसे हैं? अल्लाह के शुक्र है मैं भी ठीक ठाक, और हमेशा की तरह आप सब के लिए तहे दिल से यही दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक आप सबको अपने अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे, आमीन सुमा आमीन। और जी, आज जो वीडियो है ये है मोहसिन की शादी की वीडियो। तो आप लोगों की काफ़ी फरमाइश आ रही थी कि मोहसिन की शादी की वीडियो हमें देखनी है, तो आप देखें और इन्जॉय करें और मुझे बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। तो जी, यहाँ पर हम लोग जो है बारात लेके अभी निकल रहे हैं, और ये मैं दिखाती हूँ, ये मेरे दोनों भाई खड़े हैं, ये मेरे जेठ हैं जो टोपी लगा के खड़े हैं, और ये स्वेटर पहन के खड़े हैं, ये सबसे बड़े जेठ हैं। साइड में मेरा भतीजा है, और माशाल्लाह से मेरे सारे ससुराल वाले, मेरी जिठानियाँ, मेरे जेठ, मेरे भाई, मेरी और जो भी थे मेरी बहन भाई, सब आए थे माशाल्लाह माशाल्लाह से। और ये छोटा सा दूल्हा बनाया ना, ये इबाद है, इसको हमने छोटा सा दूल्हा बनाया था। और मोहसिन ने जो है ये ब्लू कलर की, रॉयल ब्लू कलर की शेरवानी पहनी थी, और बराबर में जो है मज़हर खड़ा हुआ है। अच्छा, यहाँ पर जो है ना एक वाक्य पेश हुआ था जो मैं आपको इंशाल्लाह इस वीडियो में आपको आगे बताऊंगी। और मैंने जो है रेड कलर का पहना था दुपट्टा और कमीज़, और ग्रीन बनारसी शलवार थी, और इधर मेरे हस्बैंड है, इन्होंने ग्रे कलर का पहना हुआ है सूट। और यहाँ पे माशाल्लाह से जो है मोहसिन का ये सेहरा, ये दुल्हन वालों की तरफ से आया था, और दुल्हन का सेहरा जो होता है वो हम लोगों की तरफ से यानी लड़के वालों की तरफ से जाता है, और ये वही सेहरा है जिसके माँ बाप देखने की तमन्ना करते हैं कि हम अपने बच्चों के जो है सेहरे के फूल देख लें। तो अल्लाह का लाख लाख करोड़ों बार शुक्र है कि उसने हमें जो है ये दिन दिखाया था, और अल्लाह पाक तहसीन की भी जो है अच्छे से इसकी शादी हो। तो यहाँ पर मैं आपको बताते चलूँ, मज़र ने जो सेहरा बांधा था ना, वो अंदर कुल्ला पहना हुआ था और उसके ऊपर सेहरा बन नहीं रहता, क्योंकि काफ़ी बड़ा और हेवी सेहरा था, तो उसने इतने कसके बांध दिया उसका सेहरा कि उसकी जो सर था ना उसमें काफ़ी तेज़ वो कलावा था, उसे काफ़ी तेज़ जो उसको बांध दिया था उसके टिकाने के लिए। मगर इतनी हबड़ तबड़ में ये नहीं सोचा कि उसके सर का क्या हाल होगा, तो उसके सर में काफ़ी निशान बन गया था और दर्द भी हो गया था। तो इस बात का ख़ास ख्याल रखना चाहिए, और मुझे बिल्कुल भी मुझे अंदाज़ा नहीं हुआ कि मैं बस थोड़ी देर उसको सेहरा पहना के उसका सेहरा खोल देती और वीडियो वगैरह बनने के बाद, और वो गाड़ी में काफ़ी देर तक बैठा रहा, आतिशबाजी होती रही, और फिर बाढ़ रुकाई हुई, और जब हम हॉल में गए तो उसके बाद जो है ना उसके काफ़ी निशान बन गया था, और उसके 3-4 दिन तक उसके सर में दर्द रहा। तो ये बड़ा
जो है मुझे ये वाकई याद आता है ना, तो मुझे बड़ा डर सा लगता है कि यार इन चीज़ों का ख़ास तौर पे है ना ख्याल रखना चाहिए। तो अभी हम बस यहाँ पर आतिशबाजियाँ हो रही हैं और कुछ धूम धड़क्का हो रहा है, उसके बाद जो है हम निकल गए थे घर से और अभी हम आ गए हॉल। तो आप भी देखिए वीडियो और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपने कितना इन्जॉय किया। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक बात बताती चलूँ कि निकाह जो है एक दिन पहले हो गया था और आज जो है बस हम सिर्फ बारात लाए थे और दुल्हन को हम ले जाने के लिए बारात लेके आए थे। तो ये अच्छा हुआ कि निकाह हो गया था क्योंकि टाइम बहुत कम होता है और हॉल के जो टाइम होते हैं बड़ी पाबंदी से लाइट वाइटें बंद हो जाती हैं। यहाँ पर जो है मोहसिन के दोस्त गले मिल रहे हैं, मुबारकबाद दे रहे हैं और माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही अच्छा लग रहा था। और मुझे लगता है कि अपनी जब घर की शादी होती है तो इंसान इतना एंजॉय नहीं कर पाता जितना दूसरों की शादी में एंजॉय करता है। तो मुझे कुछ पता ही नहीं चल रहा था कि क्या हो रहा है, लोग हर तरफ से मुबारकबाद दे रहे थे। और यहाँ पर हम लोग जो है छुआरे वगैरह लेकर आए थे, यहाँ पर भी हमने तकसीम किए थे और निकाह वाले दिन हमने जो है उनके घर में तकसीम किए थे।
तो जी यहाँ पे जो है सबके ग्रुप फोटो बन रहे थे और काफ़ी देर से उन लोगों के भी ऐसा हो रहा था कि एक ग्रुप फोटो उनका बन रहा था, एक ग्रुप फोटो हमारा बन रहा था। और मोहसिन के जो है सर में दर्द हो रहा था, तो अभी जो है काफ़ी उसका मुंह उतरा हुआ था, क्योंकि सेहरा जब मैंने हटाया ना, तो जब मुझे अंदाज़ा हुआ कि वाकई जो है ना उसके काफ़ी अंदर गढ़ा हुआ था धागा। और अब ये जो सेहरा देख रहे हैं माशाल्लाह माशाल्लाह, ये हम लोग लेकर आए थे मोहतर के लिए, और ये भी पैरों तक सेहरा था और ठंड भी बहुत थी, और इतना ठंडा हो रहा था ना ये सेहरा, गुलाब के फूल जो थे ना इसमें बर्फ़ के टोकरे में रखा हुआ था। तो मोहतर जो है ना कप कपाने लग गई थी, तो फिर मैंने जो है इसके आगे जो है ना दुपट्टा कर दिया था। तो ये होता है कि सात सुहागने जो होती हैं उनके सर पे लगाया जाता है, उसके बाद दुल्हन को जो है पहनाया जाता है। तो अभी यहाँ पर जो है सात सुहागने पूरी हो रही हैं, और सातवीं जो होती है वो होती है दुल्हन का सेहरा। और इसी तरह से जो लड़कों का सेहरा पहनाया जाता है, तब भी जो है सात जो आदमी होते हैं ना वो शादीशुदा होते हैं, उनके सर से टच करके फिर सातवां जो है दूल्हे के सर पे बांधा जाता है। तो माशाल्लाह से जो है अभी रुखसती का टाइम हो रहा है, और अभी जो है गुड़िया पहना रही है मोहतर को सेहरा। तो मैंने कहा था काफ़ी एहतियात से पहनाना भाई, और ऊपर से बस इसको जो है ना अटका देना, क्योंकि इसकी जुड़ा बुड़ा भी बंधा हुआ था और काफ़ी ज्वेलरी वगैरह भी थी, तो कोई ज्वेलरी वगैरह जो है वो चुभे ना। तो अभी जो है माशाल्लाह गुड़िया पहना रही है। जी आप लोग काफ़ी दिन से कह रहे थे कि हमें मोहसिन की बारात की वीडियो देखनी है, आज तहसीन ने जो है बारात की वीडियो की एडिटिंग करी और आप लोगों को ये दिखा रहे हैं। तो माशाल्लाह घर भी बहुत प्यारा सजा था, और मोहतर को ले आए हम अपने घर। तो अभी जो हम इसको लेकर आए, तो ये मैं डाल रही हूँ यहाँ पर पानी, और तेल भी डालते हैं बाद लोग, मगर मैंने तेल नहीं डाला, मैंने पानी डाला है। तो अभी इसके बाद जो है वो दुल्हन आएगी अंदर, यानी हमारे घर में खुशियाँ लेकर आएगी, और अल्लाह पाक सबके बच्चों के नसीब अच्छे करे, बेटों की भी और बेटियों की भी, आने वाली जो है वो अपने घर में खुश रहें। और यही माँ बाप की, हर माँ बाप की तमन्ना होती है, बहुत बहुत प्यार से, बहुत बहुत लाड से लेकर आते हैं आने वालियों को। तो अल्लाह पाक उनके दिलों में भी मोहब्बत डालें, और जो लेकर आते हैं उनको भी ये सोचना चाहिए कि हम जो लेकर आएँ दूसरे की घर की बेटी, ये अब हमारे घर की बेटी है और हमारे घर की रौनक है। तो आप यकीन मानें कि कभी भी कोई
बात ऐसी नहीं होगी, जब आपको जब आप दिल से उसको बेटी कहेंगे ना, और वो आपको अम्मी समझेगी, दोनों तरफ से ही ये चीज़ होती है। अच्छा जी, यहाँ पर जो है माशाल्लाह से हमारे सारे घर के लोग और ख़ानदान के लोग जो थे वो रुख्सती के बाद यहीं आ गए थे, और यहाँ पर जो कुछ शुगल मेला हो रहा है, यानी दूध में जो है ना हमने एक सोने की अंगूठी डाल के और फूल की पत्तियाँ डाल के ना एक तसले में, और ढूंढवा रहे हैं हम कि भाई दोनों में से कौन ढूंढता है, तो जो ढूँढेगा वो होगा आज का विनर, यानी वो उसी की चलेगी। तो ये बातें होती हैं, बड़ी अच्छी लगती हैं ये छोटी छोटी रस्में। तो यहाँ पे जो है मोहसिन और मोहतर दोनों लगे हुए हैं कि हम वो जो है विनर बन जाए। अच्छा, दोपहर को जो है मैं खीर में बना के चली गई थी फ्रिज में रख के, और अब जो है खीर चटाई की रस्म हो रही है और कुछ ऐसी शुगल मेला भी हो रहा है। तो बस अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक दोनों जो है यहाँ पर मीठा खा रहे हैं, मीठा बोलें, और इनकी ज़िंदगी में अल्लाह पाक मिठास भर दे। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।